पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और कलेक्टर रीवा ने रीवा एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण किया। संभावना है 15 फरवरी को केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का जो कि रीवा में बनेगा उसके उद्घाटन के लिए रीवा आ सकते हैं। रीवा राज्य का इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध 1796 में लड़ा गया था, जिसमें रीवा राज के महज 200 वीर जवानों ने पेशवा की 10,000 की फौज को हराया था। उसी बात को चिरस्थायी रखने के लिए लगभग 1,81,00,000 रुपए की मदद से सौर स्तंभ, बाउंड्री वाल सहित यहां पर अन्य विकास के कामों को किया जाना है, जिसका भूमि पूजन पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने जिस जगह पर नेकहाई का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था उस जगह पर जाकर किया। इस मौके पर 200 परिवारों के वह लोग भी मौजूद रहे जिनके पूर्वजों ने इस युद्ध में भाग लिया था और रीवा राज्य को जिताया था। रीवा राज्य का यह युद्ध, जिसे इतिहास के पन्नों में नेकहाई युद्ध के नाम से दर्ज किया गया है, महज 200 लोगों की फौज ने 10,000 की फौज को पराजित किया था, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात थी, जिसकी वजह से रीवा राज इस युद्ध में विजयी हुआ था। परिवार के सारे लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे, अपने अपने इलाके की, अपने अपने गांव की मिट्टी लेकर आए थे। यह मिट्टी यहाँ पर आके उन्होंने समर्पित की नेकहाई में। छतरियाँ तो पहले ही बन चुकी थी, लेकिन वो आधी से ज़्यादा छतरियाँ डैमेज हो गई, टूट गईं। उन्हें सबको एक बार फिर से व्यवस्थित किया जाएगा, इस जगह को यादगार जगह में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा लें, अपने पूर्वजों की वीरता को याद करें, उनकी शौर्य गाथा चिर स्थायी हो जाए। हमारी टीम ने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और स्थल को विकसित करने की बीड़ा उठाने वाले लाल बहादुर सिंह से बात की, जो यहाँ के युद्ध इस युद्ध में लड़े उनके वंशज, वहाँ के गांव के अपने गांव की मिट्टी लेके सब आए थे, उनकी पवित्र मिट्टी लेके, उनका सबका यहाँ नाम अंकित किया जाए सौर स्मारक में। और वो तमाम सब लोग आए जिनके वंशज लड़े थे, उनको सबको पता था, बुलाया गया था, उनकी खोजबीन की गई, क्योंकि लोग भूल चुके थे। एक लंबा अरसा हुआ 1703-1796, बहुत बड़ा लंबा अरसा है, तो लोग भूल चुके थे, लेकिन खोज करके वो तमाम सब लोग आए हैं और उनके याददाश्त को चिरस्थाई बनाने के एक सौर स्मारक बनाने का प्लान है। और सौर स्मारक ही नहीं, करशीलकालीन आपके देश में इतना बड़ा साम्राज्य अन्य किसी राजा महाराजा का नहीं रहा, जितना करचुलियों का था। ये था सन सदी 5 से लेके और 1700 तक अगर माने तो कहीं न कहीं राज्य में उनका राज रहा। ये था उनका इतिहास, उनका कोई सन नहीं, काल था, करचुल काल कहा जाता है। हाँ, ये सब हमारे पूर्वजों की है और हम उन सबको पूर्वज अपना मानता हूँ जिन लोगों ने हमारे पूर्व के साथ लहू बहाया है, युद्ध लड़ा है और जीता है। किनसे युद्ध हुआ? ये थे बुंदेला थे 1703 में, जो एक वर्ष तक कब्जा कर रखे थे किले, रीवा किले में। उस दौरान हमारे पूर्वज क्षेत्रवाद पुरुष थे नीलकंठ देव, भोलगढ़ में रहते थे। उनको पता लगा कि हमारा राज्य भी इतने वर्षों से तमाम सब बुंदेला कब्जा कर रखे, इनसे मुक्त कराना है, क्योंकि सब योद्धा थे, बहादुर थे। जिले भर के कितने लोग थे जो शहीद हुए थे उसमें? उस समय तो बुंदेला उसमें खाली 42 लोग लड़े थे, जिसमें 4-5 लोग बचे थे, बाकी सब के सब बलिदान हो गए थे। और बलिदान ही नहीं, बलिदान के साथ साथ उनका त्याग देखिए, त्याग ये था कि उस समय जब बुंदेला को भगाए तो बुंदेला के जाने के बाद राज्य बिल्कुल उपस्थित हुए हैं। क्या उनसे निवेदन है? वो स्पीकर बंद करिएगा भैया, मोबाइल थोड़ा पीछे। 18वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक युद्ध नेकहाई युद्ध के नाम से यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे रीवा राज्य के 200-300 ऐसे बहादुर
नायकों ने पेशवा से आ रहे 10,000 सैनिकों का मुकाबला किया था और यहाँ पर शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में छतरियाँ तो उस जमाने में ही बन गई थी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होने की ज़रूरत है। इसलिए आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का विकास करने की जो योजना बनाई उसी का आज भूमि पूजन हुआ है और हमारी कोशिश होगी कि एक वर्ष के अंदर जो इस विकास की रूपरेखा बनाई गई है, ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है शौर्य स्मारक के रूप में, उसको विकसित करके और न सिर्फ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन बहादुर शहीदों के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर करके और ऐतिहासिक वीरता का जो इतिहास है हमारा उसको हम और बेहतर तरीके के नई पीढ़ी को सौंपने का काम करेंगे। कितना भव्य होगा और क्या क्या निर्माण कार्य कराए जाएंगे? इसमें करीब 1,81,00,000 रुपए का एस्टिमेट बना है। उसमें बाउंड्री वॉल बनेगी, गेट बनेगा, पाथवे बनेगा, छतरियों का फिर से रेनोवेशन होगा और यहाँ कोई भी आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, इस प्रकार से इसको विकसित किया जाएगा।